वेलकम स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स. वी आर डूइंग चैप्टर नंबर फर्स्ट, नोइंग द नंबर. क्वेश्चन नंबर टू, सेकंड पार्ट. इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड वेरीफाई द न्यूमरल. हमें कॉमा लगाना है, बट कॉमा लगाने से पहले उससे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये वर्ड फॉर्म आपको दी हुई है किसी भी नंबर की. सो अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे जो कॉमा प्लेस करना है वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है या फिर इंटरनेशनल, वो आपको ये लैंग्वेज बताएगी. आपको वर्ड फॉर्म में जो क्या लैंग्वेज दी हुई है, क्योंकि हमें इंडियन सिस्टम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि इन इंडियन सिस्टम वी हैव वंस प्लेस यानी यूनिट प्लेस, वी हैव टेंस, वी हैव हंड्रेड, वी हैव थाउजेंड, वी हैव टेन थाउजेंड, वी हैव लैक, वी हैव टेन लैक, वी हैव करोड़ एंड वी हैव टेन करोड़ एंड सो ऑन, है ना. बट इन इंटरनेशनल सिस्टम वी हैव वंस प्लेस, वी हैव हंड्रेड, वी हैव टेंस प्लेस, वी हैव हंड्रेड प्लेस, वी हैव थाउजेंड, एंड आफ्टर थाउजेंड वी डोंट हैव लैक प्लेस, वी डोंट हैव करोड़ पार्ट. लैक पार्ट नहीं होता, करोड़ पार्ट नहीं होता. लाइक इन इंडियन सिस्टम लैक और करोड़ पार्ट था, बट इन इंटरनेशनल सिस्टम वी हैव मिलियन एंड बिलियन. इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, मिलियन और बिलियन होते हैं, हमारे पास लैक और करोड़ नहीं होते. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें बताइए, अगर ये लैक में और करोड़ में दिया है तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर हमें कॉमा लगाना पड़ेगा जो हम नंबर कन्वर्ट करेंगे उसमें. अगर यह मिलियन और बिलियन की बात हो, लाइक इन फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वहाँ मिलियन की बात कर रहा है हमें वर्ड फॉर्म में. सो कॉमा जो प्लेस होगा, नंबर जो हम बनाएंगे उसमें जो कॉमा प्लेस होगा वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा, बट दिस क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन सिस्टम. ऐसे पता लगा क्योंकि ये लैक में दिया हुआ है, करोड़ में दिया हुआ है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि आपके इंडियन सिस्टम में करोड़ है. करोड़ मतलब 9 करोड़ तक दिया हुआ है, टोटल 8 डिजिट्स आएंगी. सो यहाँ पे कितने पार्ट्स आएंगे, वंस प्लेस, यहाँ टेंस प्लेस की बात हो रही है. ओके, 41 का मतलब है टेंस प्लेस पे भी कोई नंबर है. नाउ 100 प्लेस की यहाँ पे कोई डिस्कशन, यहाँ पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आपको जो पोजीशन है नंबर में वो जीरो से फिल करना पड़ेगी, उसे एम्प्टी नहीं छोड़ना है. ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप लेग पे आप जंप कर जाए, कॉमा लगा दें 2 डिजिट से पहले. नहीं, जो इंडियन सिस्टम कहता है 100 प्लेस से पहले ही थाउजेंड्स आएगा, देन 10,000 के बाद ही लेग एंड 10 लेग आएगा, देन 10 लेग के पहले ही आपके करोड़ एंड 10 करोड़ आएगा. आप जंप नहीं कर सकते. अगर उनके वर्ड फॉर्म में आपको नहीं दिया हुआ तो उस प्लेस को आपको जीरो से फिल करना ही पड़ेगा. नाउ यहाँ 1000 की भी बात नहीं हो रही, तो 1000 प्लेस और 10,000 प्लेस बनेगी, बट जीरो से फिल करेंगे. देन लैक दिया हुआ है आपको, ये तो नंबर दिया हुआ है कि 5 लैक पोजीशन पाएगा. अब यहाँ 10 लैक की बात, यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया 10 लैक के बारे में. इट्स मीन उसकी पोजीशन यहाँ शो करेंगे लेकिन जीरो से फिल करके. देन लास्ट 1 करोड़ आपको दिया हुआ है. ओके, सो 41 मीन्स 41 लिखेंगे यहाँ पे. 1 आएगा आपका यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे, 4 आएगा आपका टेंस प्लेस पे. अब 100 प्लेस पे कुछ नहीं दिया हुआ तो जीरो से फिल करेंगे. ओके, देन 1000 प्लेस और 10,000 प्लेस के बारे में भी कुछ नहीं कहा, तो ये दोनों जीरो से फिल होंगे. देन लैक प्लेस पे 5. अब 10 लैक पोजीशन पे कुछ नहीं दिया तो जीरो. देन करोड़ पे आपको कितना दिया हुआ है, 9. नाउ वी हैव टू इंसर्ट कॉमा. अब कॉमा लगाना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग. 1, 2, 3 लास्ट से 3 डिजिट कैलकुलेट कर लें, और उससे पहले ये हटा देते हैं आपके लिए. ये देखिए, लास्ट से 3 डिजिट काउंट कर ली, 1, 2, 3 यानी 100 से जस्ट पहले आपको एक कॉमा लगाना है. देन फिर 2 डिजिट काउंट करी, 1, 2 यानी हो गया 10,000, उससे पहले कॉमा लगाते हैं. देन अगेन 2 डिजिट काउंट करी, 1, 2 यानी 10 लाख से बिफोर आपको कॉमा लगाना है. सो इस तरह से हमने इंडियन सिस्टम के, इंडियन सिस्टम ऐसे करते हैं, लास्ट से 1, 2, 3 उससे पहले कॉमा, 1, 2, 1, 2. इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे होता है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 3 डिजिट से पहले कॉमा, देन 1, 2 देन उसके बाद आपके कॉमा प्लेस होते रहते हैं. ओके, सो ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग था. सो थैंक यू वेरी मच.